अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, समय से पहले काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं, छाइयाँ झुर्रियाँ दिखती हैं, काफ़ी मुहासे हो जाते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे हैं, पिंपल्स मुहासे के दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो फेस पैक बनाना सिखा रही हूँ, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा चुटकियों में। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये फेस पैक बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक कच्चा आलू। कच्चा आलू आपकी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा रामवार की तरह काम करता है, ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं यहाँ पर आलू को छील कर इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब एक जार लीजिए, इस जार में हम सारे कटे हुए आलू को डाल देंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी एक स्पून दही। और अब हम इसको ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका ये पेस्ट काफ़ी अच्छे से बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसे एक जार में निकाल लीजिए, छोटे से बर्तन में या किसी भी बाउल में। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ कुछ बूंदे लेमन जूस की। तो ज़्यादा नहीं ऐड करना है, कुछ ही बूंदे ऐड करनी है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, लेमन जूस ऐड करने के बाद ये और भी ज़्यादा असर दिखाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सनटेन है, कालापन है, दाग धब्बे, उनको बहुत तेज़ी से हल्का करने में हेल्प करता है। सनटेन को ये पूरी तरह से गायब कर देगा और स्किन को बहुत ही फेयर एंड ग्लोइंग बनाएगा। अब ये पैक तैयार हो जाए तो आप इसे अपने फेस पर, अपनी नेक पर अच्छे से अप्लाई कीजिए और रब कीजिए। कुछ टाइम तक आपको, कुछ मिनट तक आपको रब करना है ताकि आपकी स्किन में अच्छे से वर्क करे। उसके बाद आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए आप नॉर्मल पानी से। दोस्तों, इस नुस्खे को आप हफ्ते में 3 बार करती हैं, तो ये 3 बार करने से आपको बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। कच्चा आलू आपकी त्वचा संबंधी कई सारी परेशानियों को खत्म करेगा और आपकी त्वचा को पोषण देकर उसे चमकदार बनाने में हेल्प करेगा। अगर आप इस पैक को अपने फेस पर लगाती हैं तो ये त्वचा पर लगाने से मुहासे की समस्या बिल्कुल दूर होती है। इसके अलावा ये आपके स्किन पर, अगर आँखों के नीचे काफ़ी डार्क सर्कल्स हैं तो अगर आप इससे मसाज करती हैं तो ये डार्क सर्कल्स को दूर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा आज का वीडियो। आई जस्ट होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।